A very good morning to all of you. I'm once again back from Let's Learn and Speak English. So you can see me. Yes? Yes. क्या आप मुझे देख रहे हैं? Yes, देख रहे हैं. मैंने अपने को कवर किया हुआ है. शायद आपने अपने आप को कवर नहीं किया होगा. कुछ लोग बहुत रिलैक्स होकर घूम रहे हैं कि लॉकडाउन खुल गया है, बीमारी चली गई. ऐसा कुछ नहीं है. प्लीज़ अपना ख्याल रखें. सिर्फ स्टे सेफ स्टे एट होम बोलने से ऐसा नहीं है कि आपको हम लोग घर में रखना चाह रहे हैं या हमारी गवर्नमेंट आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी कर रही है. अपने आप को सेफ रखने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे हैंड वॉश करना टाइम टू टाइम 20 मिनट्स तक, साथ साथ जहाँ भी जाएँ ग्लव्स पहन के जाएँ, अपने को कवर करके जाएँ, क्योंकि बीमारी जात को देखकर कास्ट को देखकर नहीं आने वाली है. और एक बार आप बीमार हो गए तो आप नहीं जानते कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे. सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अफवाहों पर ना जाएं. डोंट थिंक, डोंट लिसन टू रूमर्स. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. बिलीव इन दिस प्रोवर्ब एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अच्छा है आप स्वस्थ हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप हर तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते रहें. आइए हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं कुछ नए वर्ड्स के साथ. तो मैं आपके सामने कवर था, अब मैं अब सैनिटाइज कर रहा हूँ. शायद आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दें. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नई क्लास को, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने सुपर वर्ड्स दिए थे आपको. आज हम लोग कुछ और नए वर्ड्स करेंगे. सो हमारी क्लास रूट्स प्रीफिक्स एंड सफिक्स पर चल रही है और हम लोग काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं. एंड आई होप यू आर इम्प्लीमेंटिंग, यू आर using sentences and you are there with the sentence part. Very soon we'll have more discussion on critical words. हाँ, मैं एक बात और भी बता दूँ आपको, ये words की limit ऐसी नहीं है कि आप practically use नहीं कर सकते हैं, बल्कि competitive exams में भी, जैसे अभी बहुत जल्दी ही CTAT का exam आने वाला है, ये सारे roots और prefix आप अगर याद रखेंगे वो भी आप passage solve में आपको बहुत help करने वाले हैं. मैं words का level और बढ़ाने वाला हूँ. बस जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी आपको ये पता चलेगा कि आप वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग में आ रहे हैं. तो लास्ट क्लास में हम लोग ने सुपर सुपीरियर सुपर सीड ऐसे वर्ड्स किए, राइट. अब हम लोग आज रिसीड रिसेशन वाले वर्ड्स करेंगे. आपके सामने हैं. यस, सो यू कैन सी रिसीड इज अ कॉम्बिनेशन और री बैक विथ सीडियो टू गो. ठीक है, सो आप ये दे सकते हैं रिसीड क्या है. यहाँ पर रिसीड हमारा वर्ड है जो आपको सीखना है. और रिसीड में हम लोग देख सकते हैं कि री मतलब क्या होता है, बैक. ओके, एंड सीडियो मीन्स क्या होता है, टू गो, वापस जाना. सो रिसीड से हम लोग यहाँ पर अब सेंटेंस देखेंगे. ये सब छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे में. सो द ओशन टाइड्स रिसीड दैट इज मूव्स बैक. ओके, तो ओशन टाइड्स रिसीड मतलब वो आगे आते हैं फिर वापस चले जाते हैं. द फ्लड वाटर्स रिसीड आफ्टर मेनी डेज ऑफ सीवियर रेन स्टॉर्म. ठीक है, सो फ्लड वाटर्स रिसीड आफ्टर मेनी डेज ऑफ सीवियर स्टॉर्म. रेन स्टॉर्म मतलब पानी, जो बारिश होती है हमारी, हम लोग की जो बाढ़ आती है उसमें पानी जमा हो जाता है, फिर उस पानी को वापस जाने में मेनी डेज ड्यू टू सीवियर रेन स्टॉर्म. तो जो अगर बहुत धुआंधार बारिश होती है तो उसको रिसीड होने में, वापसी लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है. मीन्स इट्स टेक्स टाइम टू गो बैक. द वेव्स रिसीड एवरी नाउ एंड देन इन द रिवर. सो हमने देखा होगा नदी में बहुत बार वेव्स, जो पानी की लहरें हैं वो आगे आती हैं. ज़्यादातर आपको ये ठंडी हवा जब बहुत चल रही होगी तो आपको नज़र आएगा पानी की लहरें आगे आ रही हैं फिर पीछे जा रही हैं, आगे आ रही हैं. तो ये वर्ड का यूज़ आप प्रैक्टिकली याद रखें. मैंने इससे पहले क्लास में आपको बताया था कि प्रैक्टिकली हर वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिकली आप जब वर्ड को याद रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी. मैंने बोला था पिक्शनरी का ज़माना आ गया है, डिक्शनरी का ज़माना ख़त्म हो गया. सो पिक्चराइज करें वर्ड को. तो मैं आपको वर्ड रिसीड सिखा रहा हूँ. रिसीड हम लोगों को गो बैक के लेवल पर लेके जा रहा है. री बैक एंड विथ सीडियो टू गो. आगे बढ़ते हैं.
सो द इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल्स शार्पली दैट इज मूव्स और गोज बैक. ठीक है, अब हम लोग वर्ड का चेंज फॉर्म देखेंगे. हर एक वर्ड का एक फॉर्म होता है जिसको हम लोग चेंज करते हैं. तो अब हम रिसीड को किस में चेंज करेंगे, रिसेशन में चेंज करेंगे. ये नाउन फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, ये वर्ड फॉर्म में था. रिसीड रिसीडेड में भी हो सकता है चेंज, रिसेशन में भी हो सकता है. तो ये वर्ब हो गया आपका, और ठीक है, और ये आपका नाउन फॉर्म हो गया. अब मैंने आपको फर्स्ट क्लास, अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि कुछ सफिक्स होते हैं जो हमारे फॉर्म को बदलते हैं. जैसे यहाँ पर SION लिखा हुआ, तो TION, SION, ZATION, ऐसे वाले जब सफिक्स मिलेंगे तो समझ जाइएगा वर्ड का फॉर्म चेंज हो रहा है. फॉर्म ऑफ द वर्ड व्हेन विल चेंज, और द चेंज इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड विल चेंज द सेंटेंस ऑफ दैट वर्ड. हमेशा हर एक वर्ड को हम एक सेंटेंस में नहीं समझा सकते. तो रिसीड का देखिए टाइप अलग है, उसके अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, और रिसेशन के अलग टाइप ऑफ सेंटेंस हैं. क्यों? क्योंकि ये एक नाउन फॉर्म है, ये एक वर्ब फॉर्म है. ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, इससे आपका लेवल लैंग्वेज का ठीक आएगा और इससे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी. आगे बढ़ते हैं. सो वी से दैट वी हैव अ बिजनेस रिसेशन. ठीक है, हम ये कह सकते हैं. रिसेशन क्या है? एक अवस्था है. जब हम व्यवसाय करते हैं तो उसके तीन चार लेवल होते हैं. एक बूम लेवल होता है, एक रिसेशन लेवल होता है, एक डिप्रेशन लेवल होता है. इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं वो तुरंत समझ जाएंगे. और रिसेशन एक लेवल होता है जिसमें हमें ना ज़्यादा मुनाफा होता है ना हमें ज़्यादा लॉस होता है. लेकिन डिप्रेशन में ये जस्ट वैसा है कि आप बूम में जैसे बहुत कमा रहे हैं, बहुत तरक्की में, तो डिप्रेशन में आप बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे. लेकिन रिसेशन क्या है? उसकी मिडिल स्टेज है. आप समझ रहे हैं रिसेशन क्या है? एक मिडिल स्टेज है. तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एक बार फिर पढ़ेंगे. वी से दैट वी हैव अ बिजनेस रिसेशन, मीन्स बिजनेस सक्सेसफुल नहीं भी है और फुल प्रॉफिट भी नहीं दे रही, लेकिन वो डिप्रेशन में भी नहीं है. सो इन द मिडिल स्टेज वी कॉल इट रिसेशन. द रेगुलर रिसेशन हैज़ डिस्टर्ब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो रेगुलर रिसेशन अगर रहेगा तो हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो जाएगी? डगमगा जाएगी. अब आते हैं हम लोग, तो ये था रिसीड, रिसीड से आया रिसेशन. अब हम लोग एक नए वर्ड पे आ रहे हैं, जस्ट चर्चा करेंगे आपसे. आपने ये सब वर्ड सुने होंगे, जैसे रिजेक्ट. ठीक है, री मतलब बैक, आपको मालूम है. ठीक है, और जेक्ट मीन्स टू थ्रो, टू थ्रो, यू कैन अंडरस्टैंड टू थ्रो. टू थ्रो मतलब समझे क्या? टू थ्रो मीन्स जैसे समझ लीजिए ये है टू थ्रो. ठीक है, इसका मतलब टू थ्रो इन द सेंस हम कोई भी चीज़ को थ्रो करते हैं. आपको पता होगा ये वर्ड आप क्रिकेट में बॉल को फेंकने में यूज़ करते हैं. लेकिन अब हम लोग यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं उस तरह थ्रो नहीं करना है जिस तरह मैंने किया. जैसे कि हम लोग का वर्ड आएगा टू रिजेक्ट. री मीन्स बैक, जेक्ट मीन्स टू थ्रो. तो जेक्ट कहाँ से आया? जेसियो से आया. जेसियो क्या है? लैटिन वर्ड है जेसियो. जेसियो जेसियो क्या है? लैटिन रूट है. ओके, लैटिन रूट जेसियो से आया जेक्ट, जिसका मतलब टू थ्रो. तो टू थ्रो बैक इन द सेंस कोई भी चीज को वापस फेंकना. तो आपको बहुत बार ये सुनने को आएगा कि उसने मुझे मैंने अपनी प्रोफाइल जमा की, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया. तो व्हाट ही डिड, ही डिडंट एक्सेप्ट व्हाट यू सेंट. टू रिजेक्ट समथिंग इज टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट. यही आपका आंसर. रिजेक्ट मीन्स टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट. हम उसको ले नहीं रहे हैं. अब हम लोग उसी तरह वर्ड देखते हैं इंजेक्ट. इंजेक्ट तो आपने सुना है. इन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जेक यहाँ पर भी सेम है. जेक्ट जेसियो से आया है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है. ये लैटिन रूट है. ओके, और इन मतलब इनसाइड, अंदर की तरफ. ठीक है, और जेक्ट मीन्स टू थ्रो इन. अब हम लोग ये दोनों कैसे यूज करें? रिजेक्ट, आप कोई अप्रूवल, एक प्रपोजल, कोई भी बात, कोई भी प्रोफाइल आपकी एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है. मेरे वर्ड को सुनिए, आपकी प्रोफाइल, जैसे आप बायोडेटा बनाते हैं तो आप किसी को उसको सबमिट करते हैं, वो रिजेक्ट हो जाता है. ओके, उसी तरह से आप क्या करते हैं, कभी कभी किसी अपने फ्रेंड में अच्छे आइडियाज़ को इंजेक्ट करते हैं. इंजेक्ट को सिंपल में रहते हैं, इंजेक्ट आपको इंजेक्शन वर्ड से मिलेगा. अब जाते हैं, जब आपको कोई चोट लग जाती है तो आप एक इंजेक्शन लेते हैं. होता क्या है, सुई आपके बॉडी में घुस आई जाती है और उसमें फिर दवाई रहती है और वो उसको पुश करता है. सो क्या आ गया मीनिंग? आ गया ना, इन अंदर की तरफ, टू थ्रो इन. सो थ्रोइंग एनीथिंग इन इज टू इंजेक्ट.
ये याद रखना आपको, दीज आर ऑल वेरी सिंपल वर्ड. सो फिर हम लोग रिजेक्ट भी देख लिए, इंजेक्ट भी देख लिए. इंजेक्ट और रिजेक्ट आपके कॉमन वर्ड हैं, लेकिन हम लोग इसको दूसरी तरह यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ करेंगे इंजेक्ट को हमेशा? हाँ, ये मत सोचिए कि हम लोग इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, मे आई इंजेक्ट सम न्यू आइडियाज़ इन योर माइंड, इन द सेंस मे आई इंजेक्ट सम न्यू आइडियाज़, ही इंजेक्टेड सम न्यू कंसेप्ट इन माई माइंड. इसका मतलब मेरे अंदर में कोई अच्छी सोच को डालने की कोशिश की जा रही है. इंजेक्ट का मतलब हमेशा नहीं होगा कि हम किसी को सुई ही लगाएंगे. ओके, सो इंजेक्ट मीन्स हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं, किसी को आइडिया दे रहे हैं जो उसकी लाइफ में बदलाव लाएगा. सो हम उसको भी इंजेक्ट करते हैं. यही एक बदलाव है जो आपको प्रैक्टिस करते हुए आएगा. कितने भी नॉर्मल वर्ड्स हमारी लाइफ में हो, अगर हम उसको लिटरेरी लेवल पर, लिटरल लेवल पर यूज़ करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ स्पीकिंग बहुत हाई हो सकता है. ये आपको बहुत याद रखना चाहिए. बहुत सारे कॉमन वर्ड हैं, जैसे मैंने सुपीरियर, सुपर सीड जैसे वर्ड सिखाएं, उनको आप अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर में ठीक से यूज़ करें. जो नॉर्मल यूज़ है उसमें ना जाएं, कुछ अपने से गेम खेले जिससे आपको लगे कि हाँ, ये वर्ड का यूज़ मैंने एक नया सीखा, और वही आपकी ताकत है. सो ये था आपका रिजेक्ट इंजेक्ट. ठीक है, ये हो गया. अब देखिए चेंज ऑफ फॉर्म है. अब हम लोग चेंज ऑफ फॉर्म है. ठीक है, तो रिजेक्ट किस में जाया? रिजेक्टेड में जाया, उसके बाद रिजेक्शन में गया. ठीक है ना, तो रिजेक्ट, रिजेक्टेड, रिजेक्शन. ओके, इंजेक्ट, इंजेक्टेड, इंजेक्शन. तो ये आपको याद रखना है, चेंज ऑफ फॉर्म. ये हर बार मैंने आपको क्लास करवाते टाइम बताया कि हमेशा ये याद रखिए कि रिजेक्ट, रिजेक्टेड, रिजेक्शन, इंजेक्ट, इंजेक्टेड, ये सब चेंज ऑफ फॉर्म से आपको वर्ड का टाइप पता चलेगा. और इस तरह से हम लोग फिर और आगे वर्ड लेके आ रहे हैं. सो हम लोग रिसीड, रिसीड, रिसेशन, रिजेक्ट, इंजेक्ट, ये रिजेक्ट, रिजेक्टेड, रिजेक्शन, इंजेक्ट, इंजेक्टेड, इंजेक्शन कर चुके हैं. ठीक है, इन सब को आप ध्यान से देखें क्योंकि अलग टाइप के वर्ड हैं. स्टे सेफ, स्टे होम, सैनिटाइज योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग. ऑल द बेस्ट.